हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज हमारे पास में ये ब्लूटूथ माइक्रोफोन और हम देखने वाले हैं इसको खोल करके या काट करके या जैसे भी होता है कि इस ब्लूटूथ माइक के अंदर क्या चीज़ होती है, कैसा माइक होता है और क्या चीज़ जो है सिग्नल्स को भेजती है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग जल्दी नीचे जो लाइक का बटन है उसको ठोक दीजिए और वीडियो देखिए मज़े से। तो भाई पहले तो आपको इस माइक की रेंज टेस्ट करके दिखाते हैं कि कितना दूर तक काम करता है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सेटअप लगाया हुआ है, इस मशीन से जो है कनेक्ट किया है ब्लूटूथ स्पीकर को और उसे माइक कनेक्टेड है। तो मैं अब जाता हूँ नीचे। तो भाई आपको दिखाते हैं कि कितना दूरी तक काम कर रहा है। अभी एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। लगभग मैं इससे 40 फीट दूर हूँ आपसे, 40 या 50 फीट होगा। तो मैं पीछे जा रहा हूँ अब दोस्तों मैं लगभग आपसे 100 फीट के आसपास दूर हो गया कैमरा से और आवाज़ आ रही है बढ़िया, मुझे सुन रही है। और भाई अब देखो मैं कितना दूर आ गया इस खेत के लास्ट में, बट अभी भी ये जो ब्लूटूथ माइक है ये एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। तो भाई ये दूरी तो मोर देन इनफ है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती होगी। तो भाई आपने देखा कि ये माइक कितना दूर तक काम करता है। अब है इसको काटने की बारी और काटने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक एंगल ग्राइंडर का, जो कि अपने आप में बहुत डेंजरस है, आप लोग प्लीज़ ट्राई मत करना। इसका जो आउटर शेल है वो यहाँ पर हमने काट दिया है और ये तो मुझे लगता है कि ख़राब बिल्कुल हो ही चुका होगा। और आप लोगों के सामने इसके अंदर एक प्लेट आ गई। और यार इसकी बत्ती अभी भी जल रही है क्या? इसका स्विच ही ख़राब हो गया, बंद होगी। और इसके अंदर एक्चुअली में भाई जो बैटरी थी ना वो डली हुई है, तो इसको तो निकाल ही लेते हैं। और अब आपको दिखाते हैं पहले तो इसके सर के अंदर की क्या चीज़ है। तो इसको खोलता हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके की रिंग्स है जो कि देखने में अच्छी लगती है, आई डोंट नो इनका पर्पस क्या है। और भाई यहाँ पर है इसका सारा अंदर का कमाल, सारा राज, ये है भाई इसका माइक्रोफोन जो कि यहाँ पर निकल गया है। तो भाई ये चीज़ है जो कि सारा साउंड रिकॉर्ड करती है, इतना सा जो माइक है ये सारा काम करता है। तो एक काम करता है इसको भी काट करके देख ही लेते हैं, क्योंकि फ़ोन का इतना सा माइक होता है, बट ये माइक बहुत बड़ा है, देखो साइज़ देखो। और भाई अब हम इसको शायद इस तरीके से अलग कर सकते हैं और ये यहाँ पर टूट गया है। और भाई अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो आप लोग देखो कि ये एकदम स्पीकर जैसा ही है, मुझे एकदम सही ही लग रहा था। ये जो है देखो स्पीकर का डायफ्राम है और नीचे एक मैग्नेट है जिसके ऊपर ये कुछ ऐसे लगा हुआ है और ये देखो बहुत ही बारीक कॉपर का वायर है। दोस्तों इसके अंदर स्पीकर जैसी होने की चीज़ का राज ये है कि एक माइक्रोफोन एक स्पीकर ही होता है और एक स्पीकर एक माइक्रोफोन ही होता है, दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जिस तरीके से माइक साउंड को रिकॉर्ड करता है स्पीकर उसी तरीके से उसको वापस से बोल देता है। कोई भी माइक को स्पीकर की तरह यूज़ कर सकते हैं। हाँ भाई क्लियरिटी वगैरह इतनी नहीं आएगी, लेकिन ये जो है ये साउंड रिकॉर्ड करने के लिए बनाया हुआ डिवाइस है। तो भाई आप इसका साइज देखो कितना बड़ा है और वैसे ही इसके अंदर एक मैग्नेट भी हमको मिलने वाली है। तो अब देखते हैं इसके छोटे वाले पार्ट के अंदर, सॉरी नीचे वाले पार्ट के अंदर कि इसमें क्या चीज़ है। भाई नीचे का हिस्सा जो है वो तो दूर भाग गया और इसको हम लोग अब खोल सकते हैं देखो। और आप लोग यहाँ पर इसके अंदर की चीज़ें अब देख सकते हो। भाई पूरी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट है जिसके ऊपर यहाँ तो देखो स्विच है जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं, इसमें तीन बटन्स है और यहाँ पर काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जो कि आप देख ही सकते हो। ये है बैटरी का टर्मिनल जिसमें कनेक्शन होता है पावर का और यहाँ पर ये इसकी चिप है जो कि आप लोगों के सामने आ गई है। इसके अंदर ब्लूटूथ जो है वो सिग्नल सेंड करता है इसकी मशीन को और वो जो है स्पीकर में साउंड भेज देता है। दोस्तों ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर एक इस तरीके की चिप होती है और इस तरीके का जो ऊपर का इसका हेड होता है उसके अंदर होता है इस तरीके का माइक जैसा दिखने वाला स्पीकर। आपने ये भी सीखा कि जो स्पीकर है वो माइक की तरह काम कर सकता है और माइक स्पीकर की तरह, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है पर्पज़ के हिसाब से। तो अगर आपको इस वीडियो में आया मज़ा तो लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मस्त मस्त वीडियोज़ के लिए। भाई ज़रूरी है नीचे जो लाइक का बटन है वो दबाइए ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले, बेल आइकन भी दबा लो ताकि कुछ मिस नहीं करोगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।